मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक बार फिर मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है। मृतक का नाम बबली उर्फ इम्तियाज कासम शेख 35 वर्ष है, जबकि आरोपी का नाम सुल्तान अहमद शेख 26 वर्ष है। हालांकि इस वारदात में आरोपी भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। मुंब्रा शहर में लगातार हत्या की वारदात एक के बाद एक सामने आ रही है। इस हत्या की वारदात भी नशे की वजह बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सुल्तान ने नशे की कोई वीडियो बना लिया था और ये घटना सामने आई है। वहीं मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई अशोक गडलग ने बताया है कि जिसकी हत्या हुई है बबली उर्फ इम्तियाज शेख, ये मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास रिजवी बाग में रहता था और आरोपी सुल्तान अहमद शेख ये जीवन बाग में रहता था। पुलिस के मुताबिक 27 दिसंबर के दिन के वक्त सुल्तान शेख मुंब्रा रेलवे स्टेशन की तरफ गया था। इसी दौरान बबली उर्फ इम्तियाज ने सुल्तान को पूछा कि यहाँ क्यों आया है। इसके बाद दोनों में बहस हुई, किसी तरह से दोनों को शांत कराया गया, मगर रात के समय सुल्तान फिर वहाँ गया और दोनों के बीच में ये विवाद हुआ और दोनों में मारपीट होने लगी। इसी दौरान चाकू से बबली उर्फ इम्तियाज ने सुल्तान पर हमला किया। सुल्तान ने भी चाकू से बबली उर्फ इम्तियाज शेख पर कई बार वार कर दिया, जिसकी वजह से बबली उर्फ इम्तियाज शेख की मौत हो गई। वहीं सुल्तान शेख गंभीर रूप से घायल है और पुलिस ने भी बबली उर्फ इम्तियाज शेख के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस हत्या की पूरी तफ्तीश मुंब्रा पुलिस CCTV और गवाहों से पूछताछ करके कर रही है। आगे पुलिस जांच में ही इस पूरे हत्याकांड का सच सामने आएगा।